लोहरदगा के पूर्व विधायक सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद सुखदेव भगत लोहरदगा पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सुखदेव भगत के घर से बाइक रैली के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ लोहरदगा टाउन भ्रमण कर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बम पटाखों एवं नारेबाजी कर स्वागत किया। वहीं सुखदेव भगत कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए, कार्यालय की जमीन पर बैठ गए और कहा कि कुर्सी के नेता को कभी अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर ही स्वागत किया गया। रूप से मेरे डीएनए में कांग्रेस है और ये हमारे लिए जिसे कहा जाए बहुत ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय जो है लोहरदगा में ये मेरे मंदिर के समान है और बहुत खुशी का पल है और बहुत ही भावुक पल है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कांग्रेस कार्यालय में आने के बाद, क्योंकि हमारी गठबंधन की सरकार है, जेएमएम के साथ कांग्रेस दोनों पार्टी मिलके और राजद मिलके यहां पे सरकार में है और यह संवेदनशील सरकार है। और सौभाग्य से डॉक्टर रामेश्वर राव जो यहां के विधायक हैं, हमारे यहां राज्य में केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय धीरज प्रसाद साहू जी जो यहां के सांसद हैं और मैं अभी पुनः इस परिवार में शामिल हुआ हूं, हमारा यह दायित्व बनता है कि लोहरदगा की जो बुनियादी समस्याएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, कैसे हम सब मिलके यहां की समस्याओं को दूर करें, यहां विकास के रास्ते जिसे और हम सुगम बनाएं, साथ ही साथ कांग्रेस सांगठनिक दृष्टिकोण से उसकी धार को कैसे पैना करें, ये हम सबों का दायित्व बनता है। और हम ये बात आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, बहुत सारी बातें आती है लेकिन यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है, हमारा कांग्रेस में एक ही गुट है, वो सोनिया गुट है और दूसरा कोई गुट नहीं है, ये मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। और इसलिए और एक बात और मैं पत्रकार मित्रों का आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आप सबों ने हमेशा कांग्रेस परिवार को और मुझे हमेशा एक भावनात्मक सहयोग प्रदान किया, मनोबल प्रदान किया है, जन मुद्दों को जब भी मैंने उठाया है आप हमारे साथ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं और तमाम लोगों को, जितने कांग्रेस के लोग यहां पर पूरे लोहरदगा के लोग हैं और भी जितने भी जो समर्थक हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं पूरी तन्मयता से पूरी निष्ठा के साथ मेरा दायित्व तो बनता है कि कांग्रेस विचारधारा को आगे ले जाके यहां पे कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का मेरा दायित्व तो बनता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम देश में के पैमाने पे देखें तो मोदी जी और उनकी सरकार गोडसे विचारधारा की ओर अग्रसर है, गोडसे विचारधारा फैलाना चाहते हैं, नफरत का माहौल बनाए हुए है। और हम लोग राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं जो अहिंसावादी और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक है, उसके संवाहक है। हम पुनः भारत में अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता जो है उसे लागू करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। और साथ ही साथ ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें आएंगी, अभी दुनिया की हर व्यवस्था परिस्थिति का गुलाम होता है और ये मैं कह सकता हूं कि अपवाद स्वरूप एक राजनीतिक भूल मेरी रही है और वो परिस्थितिवश ये गलती हुई है, लेकिन मेरे कहा मेरे डीएनए में कांग्रेस है। आपने देखा होगा मैं जब पहली बार शामिल नहीं हुआ था तो भी कांग्रेस के विचारधाराओं के साथ, चाहे सोशल मीडिया में आपने देखा होगा मैं लगातार मुखर रहा होगा, और जो कांग्रेस की जो हमारी परंपरा रही है, ऐतिहासिक परंपरा रही है, उसके साथ हमेशा हमारे रहे। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और दुखद है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आरपीएन सिंह जी जरूर रियलाइज करें लौट के बुद्धू घर को आए। एक ही गुट है आदरणीय सोनिया गांधी गुट, कांग्रेस का गुट। बहुत सारी बातें मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक पद्धति में विचारों में भिन्नता होती है, विचारों में असहमति होती है, लेकिन क्या आप जिस गुट की बात करें, अलग अलग गुट जो कांग्रेस के हैं, क्या पंजा छाप में विश्वास नहीं करते हैं क्या? क्या सोनिया गांधी में विश्वास नहीं करते हैं क्या? कोई कांग्रेस के विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं क्या? वो मैंने कहा विचारों में असहमति हो सकती है लेकिन उसकी विचारधारा कांग्रेसी है, उनका वो जो सोनिया गांधी पे वो विश्वास करते हैं और पंजा छाप में विश्वास करते हैं। सर आपके आने से क्या लोहरदगा की सूरत बदलेगी कांग्रेस? देखिए मैं एक अदना सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ये मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस जगह से मैं आता हूँ
जिस जगह से कांग्रेस का परचम लहराता रहा है, चाहे मैंने कहा कि कार्तिक राव जी की बात करें, शिव प्रसाद साहू जी की बात करें, या फिर इंद्रनाथ भगत की बात करें, और वर्तमान में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आज हमारे राज्य में हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय रामेश्वर राव जी हैं जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय धीरज प्रसाद साहू जी हैं जो सांसद हैं, तो हम सब मिलके जो कांग्रेस की विचारधारा है, सांगठनिक दृष्टिकोण से कांग्रेस को कैसे मजबूती प्रदान करें, कैसे उसे धारदार बनाए, और सबसे बड़ी बात है जो बुनियादी समस्याएँ हैं उसको कैसे निदान करना है, हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, ये मेरा दायित्व बनता है। हमने देखा आप आकर डायरेक्ट रूप से, मैंने कहा कि कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रखे, और आपने देखा वो जितने हमारे कार्यकर्ता सब जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन, और मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जितनी भी नीतियां बताई हैं आम लोगों के लिए बनाई है, आम लोगों के बनाई है, और जमीन पे जैसे कहता है जिसे जमीन जो है, मैंने कहा कि कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रखे, और ये जमीन कांग्रेस का जो मुख्यालय है मेरे लिए बहुत अहम है। सर, आपने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की बात की और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की, लेकिन राजेंद्र भवन के बाहर जो पोस्टर लगी है उसमें उन दोनों का फोटो ही नहीं है। आपने आपको मैं थोड़ा बता दूं, प्रोटोकॉल में बता दूं, ये सांगठनिक जिसे कांग्रेस परिवार ने लगाया है, कोई मैं समझता हूँ, मैंने देखा है कि कोई जिला कमेटी नहीं है, और क्योंकि हमारे बहुत सारे मंत्री हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकारी हैं, तो ये सांगठनिक दृष्टिकोण से जो सामान्य होता है उसमें हमारे अध्यक्ष, हमारे CLP, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष उनका फोटो लगता है, ये अभिनंदन समारोह है सिंपल, तो उसमें कोई बात ये नहीं है, वो हमारे हृदय में है, ऐसा नहीं कि पोस्टर दिखा के अपने आप प्रेम दिखाने का हो सकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।